हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एवरीवन। सो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस ब्लॉग में बताया था कि मैं अपने घर आ जाऊंगी तनिष्क जाने के बाद। सो मैं घर आ चुकी थी, हमने दो दिन आराम से घर पे स्पेंड किए हैं, दो ढाई दिन। तो आज हमने सोचा है कि शिमला जाएंगे, मैं और मेरे हस्बैंड। मुझे शिमला में कुछ काम भी है, वो मैं आपको शिमला जाके बताऊंगी। मोर ओवर मैं आपको शिमला के ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, हम शिमला घूमेंगे भी और काफ़ी इंजॉय भी करेंगे। अभी मॉर्निंग हो रही है, हमारी आज की बुकिंग्स डन है, तो हम अभी ब्रेकफास्ट करके निकल जाएंगे। घर पे मैं थी तो मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया, बिकॉज थोड़ा पर्सनल रहता है तो मैं ज़्यादा शूट नहीं करती। कुछ सेलिब्रेशन हो या कुछ हो तो मैं शूट करती हूँ, अदरवाइज घर में वही यूजुअल होता है कि आए, खाना खाए, रेस्ट किया, अपनी बातें की, हंसी मजाक किया, नथिंग मच मोर। ओके, सो मैं आपसे मिलती हूँ जैसे हम शिमला के लिए निकलते हैं, वैसे ही। बाय बाय। कोई बात नहीं, अडाप्टर आईफोन का। हाँ ले पकड़। ये मेरे को ये नहीं चाहिए। नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। बाय सोनू, सोनू बाय, बाय सोनू, बाय हमारे नागों का मंदिर है, मैंने बाबू को मत्था। यहाँ पे सब मुझे सी ऑफ करने आए थे, बट छूटी नहीं। आई डोंट नो वीडियो में क्या प्रॉब्लम आ गई, आई रियली डोंट नो। सबने बाय भी किया था। हम अभी शिमला के लिए निकले, खाना वगैरह खा लिया था, सोचा था जल्दी निकलेंगे, बट फिर गप्पे मारते हुए बहुत टाइम हो गया। अभी हम निकल गए हैं शिमला के लिए, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि हम गप्पे मार रहे हैं और खाना खाते हुए बहुत टाइम लग गया। अभी आई थिंक क्या टाइम हो रहा है, 10 बजे, 10 बजे हम शिमला के लिए निकलते हैं, देखते हैं कब कितने बजे पहुँचते हैं। मंदिर है ये, मेरा ग्राम देवी मंदिर है, जय हो। एक ब्यूटीफुल सी वैली है मेरे घर के पास, बहुत प्यारा व्यू है यहाँ। ये गांव की सड़की है, आप सड़कों की हाल देखो, सो गुड। अभी हम पोल्यूशन करवाने रुके हैं यहाँ पे, पोल्यूशन जांच केंद्र। हिमाचल में पोल्यूशन का काफी ज्यादा चलान होता है, हमारा पोल्यूशन हमने चेक किया तो आज या कल में एक्सपायर हो रहा, तो फिर हमने सोचा पहले ही करवा लेते हैं, वरना शिमला में कहाँ करेंगे। तो मेरे घर के पास ही पोल्यूशन का भी है, तो हम वहाँ पोल्यूशन करवाते हैं। यहीं पे सामने ना ये भीखा शाह मंदिर है, ये एक पीर जी थे, बाबा जी थे जो काफी अच्छे थे और मान्यता बहुत थी उनकी, पीर बाबा जी की, तो उनके नाम पे ये मंदिर बनाया था भीखा शाह। तो ये भी मेरे घर के थोड़ा पास ही है। आई डोंट नो यहाँ वॉल्यूम में क्या प्रॉब्लम आ गई, बट मैं आपको दिखाती हूँ व्यू। काफ़ी अच्छी सड़कें हैं, मोर ओवर यहाँ पे स्पीड कैमरास थे तो अभिषेक ओवर स्पीडिंग नहीं कर पा रहे थे। 60 से अबव जो स्पीड थी उसका फिर डायरेक्टली ऑनलाइन ही चलान आ जाता है हिमाचल में, हमीरपुर वाली साइड पे। सो ओवर स्पीडिंग बिल्कुल ही बैन है हमीरपुर घुमारवी शिमला हाईवे पे। सो वॉल्यूम की वजह से मेरे को वॉइस ओवर देना पड़ा। खाना खाने रुके हैं यहाँ पे, काफ़ी फेमस एक बिलासपुरी धाम करके ढाबा, मैंने इसके बारे में काफ़ी सुना है कि यहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है। लेट्स ट्राई। ये दुली मूंगी है, ये चने का खट्टा है। मैंने तो फिनिश कर दिया, अब ये बचे हैं, मेरा फिनिश हो गया, ये बच्चे हैं। ये बहुत अच्छा लिखा है, काफी अच्छा खाना लगा मुझे तो, टेस्टी था। हमें कांगड़ी धाम की हैबिट है, बट बिलासपुरी धाम भी काफी अच्छी थी, वी एंजॉयड इट। हमें ये शॉप दिखी थी, ये बड़ी प्यारी शॉप है, ये भैया यहाँ पे थे, ये देखो ये शॉप थी और हमने यहाँ पे शॉपिंग की। बड़ा प्यारा लगा ये घर के लिए, ये लिया मंदिर में सामान रखना होता है तो दोनों तरफ से इसकी ओपनिंग है और स्टोरेज है, ये बड़ा प्यारा है। ऐतिहासिक कंद्रौर पुल, ये एक टाइम पे एशिया हाईएस्ट ब्रिज था,
और ये कंद्रौर पुल है, और इतना ब्यूटीफुल है ना, दोनों तरफ गोविंद सागर का पानी आता है यहाँ पे। ये बिलासपुर में आता है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में, और ये शिमला के रास्ते पे पड़ता है। हम पहुँच गए हैं शिमला, हम काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, फाइनली शिमला पहुँच गए हैं। मैं और मेरे हस्बैंड हमेशा खुश रहते हैं शिमला आने के लिए, सो वी आर सो एक्साइटेड। लेट मी शो यू द शिमला व्यू। ये देखिए शिमला पहुंच गए हम। आपको कैसा लग रहा है शिमला के? बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है? बदल ही बदल है, देखना कितना ज्यादा, कितना अच्छा मौसम है ना, बहुत प्लेजेंट मौसम है। जाखू भी नहीं दिख रहा, जाखू भी आज नहीं दिख रहा है, नहीं तो हनुमान जी दिखाती मैं आपको, नहीं दिख रहे हैं। शिमला का वेदर काफी अच्छा है, और ये आई थिंक द मोस्ट बेस्ट टाइम है, प्लेजेंट वेदर होता है इस टाइम पे, बेस्ट टाइम है शिमला विजिट करने के लिए, और सेफ भी। काफी ज्यादा फॉग है, मिस्ट है, ब्यूटीफुल लोकेशन है। यहाँ से इस तरफ को आप लक्कड़ बाजार वाली तरफ को जाएंगे, और इस तरफ को आप छोटा शिमला, संजौली और विकास नगर वाली तरफ को जाएंगे। लेफ्ट वाली तरफ को आपको अगर लक्कड़ बाजार वाली तरफ को जाना है, IGMC को जाना है, दो रास्ते दोनों ही संजौली को जाएंगे, बट ये वाया लक्कड़ बाजार जाएगा, ये वाया छोटा शिमला जाएगा। और ये है ऐतिहासिक विक्ट्री टनल, ये है शिमला की विक्ट्री टनल। काफी अच्छा यहाँ पे सिस्टम है। ये हम पहुंच गए हैं ओल्ड बस स्टैंड, ये HRTC का ऑफिस है, ये मेरी मम्मा का ऑफिस होता था, मेरे मम्मा यहाँ पे जॉब करते थे, और ये है मेरी मम्मा का ऑफिस, ये टनल है। ये पहुंच गए हैं हम लिफ्ट के पास, टूरिज्म लिफ्ट। ये लिफ्ट सीधा मॉल को कनेक्ट करती है आपको। अभी हम अपना होटल तो पहुंच गए थे, बट हमने पहले सोचा कि चेक इन करने से पहले गोलगप्पे खा लेते हैं और चाट पापड़ी, क्योंकि मेरी फेवरेट है गोलगप्पे चाट पापड़ी। जहाँ मैं पढ़ती थी कॉन्वेंट ऑफ जीसस मेरी, उसी के पास ही एक अंकल हैं, तब से लेके वो चलाते हैं, वो शिमला में काफी फेमस है गोलगप्पों के लिए। तो अभी हम उस तरफ जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि फिर हम चेक इन करेंगे, है ना। खाओगे आप गोलगप्पे चाट पापड़ी? ये मेरा कॉलेज आ गया, मैंने यहाँ से BSc है, सेंट बीच कॉलेज, वो बोलते हैं नौभर। तो यहाँ के गोलगप्पे और चाट पापड़ी बहुत फेमस है, ये किंडरगार्टन स्कूल है ऊपर। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे गोलगप्पे खत्म थे, हम वापस गए, गोलगप्पे और चाट पापड़ी खत्म थे। हमने तो बोला भी कि हम बहुत दूर से आ रहे हैं डायरेक्टली आपके पास, पहले हमने होटल भी चेक इन नहीं किया है, तो वो बोलते खत्म हो गए, थैंक यू सो मच, कल आना, कल खिलाऊंगा। तो फिर अभी हम कल आएंगे, तो कल वो खिलाएंगे हमें। खाने गोलगप्पे अब कहाँ खाने, अब मिलेंगे नहीं। कल मिल जाएंगे, कल भी आएंगे, कल खा लेंगे, कल खाएंगे, कल खा लेंगे। हम अपने होटल पहुंच गए थे, तो गाइस गेस करना ये कौन सा होटल है, इट्स वेरी फेमस इन शिमला। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम कल मिलते हैं, टेक केयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग।